गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फर्स्ट चैप्टर नेम इज हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। आपकी अब टेक्स्ट बुक शुरू होने जा रही है और उसका फर्स्ट चैप्टर है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, इसको हम राइट करेंगे और फिर इसके वर्ड मीनिंग आपको लिखने हैं। जिनके पास बुक नहीं है वो राइट करें और जिनके पास बुक है वो केवल वर्ड मीनिंग राइट करेंगे और लर्न करेंगे। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। होमवर्क टू बोरिंग बोरिंग ही सैट ही प्लेड हॉकी He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him Patrick, do your homework. Homework or you wouldn't learn a thing. And It was true. Something he did feel like an ignoramus, but what could he do? He hated homework. इसको एक बार इंग्लिश में रीड करते हैं फिर इसका हिंदी ट्रांसलेट देखते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क टू बोरिंग ही सैड ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड हिज टीचर्स टोल्ड हिम पैट्रिक Do your homework or you wouldn't learn a thing. And it was true. Something he did feel like an ignoramus. But what could he do? He hated homework. अब इसका हिंदी ट्रांसलेट देखेंगे। Patrick never did homework.
पैट्रिक कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग ही सैड, वह इसे उबाऊ कहता था। बोरिंग मीन्स होता है उबाऊ, वह इसे उबाऊ भी कहता था। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड, वह इसके बजाय हॉकी बास्केटबॉल और निंटेंडो मीन्स होता है एक वीडियो गेम होता है वो खेलता था। His teachers told him, उसके अध्यापक टीचर्स उससे कहते कहते थे कि पैट्रिक डू योर होमवर्क, तुम यदि अपना होमवर्क नहीं करोगे तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। यू वुडंट लर्न ए थिंग, तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट वॉज ट्रू, और यह सत्य भी था। समथिंग ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस, इग्नोरेमस समथिंग ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस, कभी कभी वह अपने आप को अशिक्षित और अज्ञानी की तरह महसूस करने लगा। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। ही हेटेड होमवर्क, उसे होमवर्क करने से नफरत थी। दैट्स क्लियर। सेकेंड पॉइंट, देन वन डे he found his cat playing with a little doll. And he grabbed it away to his surprise. It wasn't a doll at all, but a man of the thinnest size. He had a little wool shirt with old fashioned breeches and a high tall hat, which as he
सेव मी डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट. I will grant you a wish. I promise you that. Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. To his surprise, it wasn't a doll at all, but a man of the tiniest size. He had a little wool shirt with old fashioned breeches and a high tall hat. Much like a witch's, he yelled, "Save me! Don't give me back to that cat. I will grant you a wish. I promise you that." Then one day, तभी एक दिन, he found his cat playing खेलते हुए with a little doll. एक छोटी गुड़िया के साथ खेलता हुआ पाया. एंड ही ग्रेव इट अवे, और इसे छीन लिया. उसे आश्चर्य हुआ इट वाजंट ए डॉल एट ऑल. यह एक खिलौना नहीं था बल्कि एक सबसे छोटे आकार का आदमी था. ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट, उसने एक छोटी ऊनी कमीज विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस, पुराने जमाने का पाजामा, एंड और ए हाई टॉल और एक लंबी टॉल है, एक लंबी टोपी. मच लाइक ए ब्रीचेस, जिस प्रकार जादूगरनी टोपी पहनती है, उस प्रकार की टोपी उसने लगा रखी थी. उसने क्या क्या पहन रखा था? वूल शर्ट, ऊनी कमीज और ओल्ड फैशन पुराने जमाने का पाजामा और हाई टॉल हैट और लंबी टोपी को जादूगरनी जैसे लगाती है उसको लगा रखा था. ही येल, वह चिल्लाया, सेव मी, मुझे बचाइए, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे उस कैट को वापस मत सौंप देना. आई विल ग्रांट यू ए विश, मैं आपकी एक इच्छा को पूरी कर दूंगा. आई प्रोमिस यू दैट, मैं उसको करने के लिए आपको वचन देता हूँ. दैट्स क्लियर. वर्ड मीनिंग देखिए. Boring, 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 जिसे dull, unpleasant, unpleasant, wow, हिंदी में कहते हैं. Nintendo, a video game. एक वीडियो गेम होता है. Instead, in place of, के बजाय
इग्नोरेमस, इग्नोरेमस अनएजुकेटेड, अनएजुकेटेड अशिक्षित, अज्ञानी, ग्रेट अवे, ग्रेट अवे स्नैच जिसे कहते हैं छीन लिया, स्नैच छीन लिया, एट ऑल इट एनी डिग्री, बिल्कुल बिल्कुल, टिनेस्ट टिनेस्ट स्मॉलेस्ट साइज जिसे बोना कहते हैं, सबसे छोटा, सबसे छोटा, ब्रिचेस पाजामा, BRITCHES, which a woman who uses magic to do evil, बुराई के लिए जो जादू का उपयोग करती है, जादूगरनी, विचैन मीन्स होता है जादूगरनी, बुराई के लिए जादू का उपयोग करती है, ये शाउटेड चिल्लाया, ग्रांट पूरा करना, विश डिजायर प्रे इच्छा मनोकामना, मनोकामना मैंने आपको आपकी टेक्स्ट बुक मैं जो फर्स्ट चैप्टर है उसको पढ़ाया है और उसके हिंदी ट्रांसलेट किया है और उसके वर्ड मीनिंग आपको मैंने लिखा दिए हैं। थैंक यू वेरी मच।